हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन, पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं राम रोला से हूँ बच्चे। सुबह आज छोटू का भी ज्यादा कमाल करने लगे हैं। आज हम देखने लगे हैं टॉप 10 लग्जरी ट्रेन्स ऑफ इंडिया एंड उनका जो किराया होता है, मतलब कितना उनका होता है कितना वो किराया है, वो भी हम साथ 2023 में। देखेंगे 2023 में। बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। लग्जरी ट्रेन के मामले में भारत दुनिया का नंबर वन देश माना जाता है और पूरी दुनिया से फॉरेनर क्या हर कोई भारत में आके, मतलब इन ट्रेन के जो अमीर जो अफोर्ड कर सकते हो, इंडिया में भी कितने लोग जाते हैं जो भाई जाहिर बात है इनको अफोर्ड भी करना पड़ता है, इनके ऐसे किराए होते हैं। तो देखते हैं यार, जानते हैं आज किराया 2023 में क्या है और टॉप पर पोजिशन रैंकिंग में कितनी चेंजेस आई है 2023 में। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत कमाल का कंटेंट है। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है। भारतीय रेलवे यात्रियों को न सिर्फ बेहद ही साधारण किराए वाली रेल सेवाएं मुहैया कराती है, बल्कि लाखों रुपए के किराए वाली लग्जरी रेल सेवा भी प्रदान करती है। भारतीय रेल द्वारा संचालित की जाने वाली लग्जरी रेल सेवाएं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी रेल सेवाओं में से एक है। यहाँ हम आपको भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किए जाने वाले 7 सबसे लग्जरी ट्रेनों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 7, रॉयल ओरियंट ट्रेन। रॉयल ओरियंट ट्रेन टूर भव्य और शानदार सुविधाएं प्रदान करता है। पैलेस ऑफ व्हील्स की तर्ज पर विकसित इस ट्रेन ने 1994 में अपनी पहली यात्रा शुरू की। ये लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स की थीम पर आधारित है। इस ट्रेन की एक टिकट की कीमत करीब 9,000 रुपए से लेकर 24,000 रुपए तक है। नंबर 6, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन भारत की सबसे पुरानी ट्रेन है, जो भाप से चलने वाला लोकोमोटिव ट्रेन है, जिसे 1855 में बनाया गया था। फेरी क्वीन ट्रेन सेवा दिल्ली और राजस्थान के अलवर के बीच चलती है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे पुरानी ट्रेन के रूप में मान्यता दी गई है। और दुनिया में भाप इंजन यह अपने शानदार इंटीरियर के लिए भी जाना जाता है और इसे कई फिल्मों और टीवी शो में दिखाया गया है। इस ट्रेन की एक टिकट की कीमत करीब 12,375 रुपए है। नंबर 5, डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी, जिसे भारत की ब्लू ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है, इसमें 21 लग्जरी कोच हैं, जिनमें से 11 लग्जरी का इस्तेमाल आवास के रूप में किया जाता है। और डेक्कन ओडिसी अक्टूबर से अप्रैल तक चलती है और सभी 6 मार्गों की अवधि 7 रातें 8 दिन है। इस ट्रेन की एक टिकट की कीमत करीब 5,12,400 रुपए से लेकर 11,09,850 रुपए तक है। नंबर 4, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स एक भारतीय पर्यटन लग्जरी ट्रेन है, जो राजस्थान के अलावा विभिन्न राज्यों की सैर करवाती है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स को जनवरी 2009 में लॉन्च किया गया था, जो अब तक चल रही है। इस ट्रेन की एक टिकट की कीमत करीब 3,63,300 रुपए से लेकर 5,46,000 रुपए तक है। नंबर 3, स्वर्ण रथ। स्वर्ण रथ दक्षिणी क्षेत्र में पर्यटन की पेशकश करने वाली भारत की पहली और एकमात्र लग्जरी ट्रेन है। ये KSTDC के साथ पूरे कर्नाटक में एक रोमांचकारी रोमांच का अनुभव देता है, जिसे विशेष रूप से अगली पीढ़ी के लिए उत्साहित गतिविधियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और पौंडिचेरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को जोड़ता है। इस ट्रेन की एक टिकट की कीमत करीब 93,372 रुपए से लेकर 5,60,230 रुपए तक है। नंबर 2, महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस भारत में स्थापित होने वाली आधुनिक भव्यता वाली ट्रेन है, जिसका स्वामित्व और संचालन भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम द्वारा किया जाता है। ये ट्रेन अक्टूबर और अप्रैल के महीनों के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में 4 मार्गों पर सेवा प्रदान करता है, जो मुख्य रूप से राजस्थान पर केंद्रित है। इस ट्रेन की एक टिकट की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक है। नंबर 1, पैलेस ऑन व्हील्स। ये सबसे अच्छी शाही भारतीय लग्जरी ट्रेन है और दुनिया की चौथी सबसे अच्छी लग्जरी ट्रेन है। पैलेस ऑन व्हील्स की यात्रा दिल्ली से शुरू होती है, जो आगरा, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और जयपुर में समाप्त होती है। इस ट्रेन की एक टिकट की कीमत करीब 48,620 रुपए से लेकर 64,600 रुपए तक है। तो दोस्तों, इस तरह से आज आपने जाना कि भारत की 7 लग्जरी ट्रेनों के बारे में। हम आशा करते हैं कि आज हमने आपको जो कुछ भी जानकारी दी है वो आपके काम आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें। वीडियो इसी के साथ यार गाइस वीडियो यार मुझे ये नहीं समझ आई है अक्टूबर से अप्रैल तक क्यों चलती है, बाकी इसमें बाकी भी ट्रेन कुछ चार महीने चल रही है, कुछ छह महीने चल रही है, क्या मजा यार ये, मतलब क्यों ये कुछ मतलब एरिया क्यों चलती है कुछ अरसा। असल में यार शायद महंगी बहुत है तो बुकिंग इसलिए होती होगी, शायद वो छह महीने तक ही चलाते हो, जब बुकिंग होती है तब चलाते हो, इस तरह होता हो, कुछ भी रीजन हो सकता है गाइस, इसको कन्फर्म करना ऐसा भी हो सकता ना। सबसे महंगी महाराजा थी जो 15 लाख तक जाती है, दूसरे पे डेकन यार जो पहले नंबर पे थी, पहले नंबर वाले थे उसको बहुत मुनासिब कराया यार, उसका वाकई मुनासिब था, बहुत कमाल किया लेकिन पहले सॉल्व ही नहीं, देखो यार उसको बंदा थोड़े पैसे जमा करे तो अफोर्ड कर ही लेता है, वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है तो बंदा ले लेता है, असल में वो जो 15 लाख लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, 5 लाख से 15 लाख वाले थे, असल में उनका प्रॉब्लम ये है ना कि वो हो सकता है दो दो महीने इकट्ठे चलते रहती है मुख्तलिफ जगह पे, 15 दिन 20 दिन 1 महीना वो इस तरह भी चलती है ना, तो ये भी तो देखो ना फिर, मतलब टिकट एक तो आपके रूम पे डिपेंड करता है, नहीं मैं आपको बताता हूँ, एक ही टिकट आपके रूम पे डिपेंड करता है जिस तरह का आपने रूम बुक करवाना है, मतलब स्पेशली महाराजा में, मतलब एक टिकट आपके रूम पे डिपेंड करता है और दूसरा चीज टिकट डिपेंड करती है कि आप कितना मतलब कितना अरसा ट्रेन में रहोगे, 7 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, 10 दिन रहोगे, 15 दिन रहोगे, तो ये चीज तो है ही है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपने कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखनी है, ये जाओ स्टेशन पे फर्स्ट करो गाड़ी रोक के, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखनी है इंडिया में तो बहुत यार, मुझे जो लगता है भाई वहाँ भी लेकर जाती है गाड़ी, इसकी सहूलत भी ये भी देते हैं, ये सारा कुछ काम आते भी है, आते भी यही मैं वो नहीं कह रहा भाई, मुझे एक और भी आपको मैं इंक्लूड होता है, एक और मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, होता पूरा पैकेज है हर किसी के लिए, पूरा पैकेज, ये 2.5 लाख वाले भी आपको पूरी सैर होगी और 15 लाख वाले में भी आपको पूरी सैर होगी, लेकिन चीजें उसमें कम हो जाएंगी, मतलब लग्जरी थोड़ी कम हो जाएगी, 15 लाख वाले में अल्ट्रा मिलता है तो थोड़ा पतला सामान मिलेगा, वीआईपी रूम मिलता है तो उसको थोड़ा कम मिल जाएगा, मुख्तलिफ क्लासेस मुख्तलिफ क्लासेस होती है, मतलब इस तरह इसी में भी यार वो मुख्तलिफ होता है, 2.5 लाख वाला और 15 लाख अलग पैसे दे रहे हैं तो अलग चीजें मिलेंगी ना, लेकिन यार लेकिन महाराजा दुनिया की टॉप की पहले नंबर पे और पैलेस ऑन व्हील दुनिया के चौथे नंबर में, चौथे नंबर पे, वो डेकन भी बड़ी महंगी थी यार, 11 लाख तक उसका डेकन, सारी महंगी है सिवाय एक जिसके साथ वो जो पता नहीं 150 साल पुराना जिसके साथ वो इंजन लगा हुआ था उसके साथ, लेकिन वो भाई आपको थोड़ा सा चक्कर भी, वो छोटा सा चक्कर है उसका, इतना खास दुनिया की मतलब वो आप एक्सपीरियंस लेंगे कि दुनिया के सबसे पुरानी ट्रेन में आप बैठे, बिल्कुल ये बात है, तो आप कहना अपने आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दे, आपके सोचते हैं यार बहुत मस्त मस्त ट्रेन है और किराया भी बहुत मस्त है, इधर वीडियो करते हैं।